यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। स्थानीय नियोजन नीति बनाने सहित सरकारी नौकरियों में पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की मांग सहित अपनी चार सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड विकास मोर्चा की पलामू जिला इकाई द्वारा आज कचहरी परिसर में एक दिनी धरना कार्यक्रम का आयोजन जेबीएम जिलाध्यक्ष मुरारी पांडे की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में जेबीएम नेता प्रभात भुइयां, संजय नवाज, तैयबा बीबी, आशीष सिन्हा सहित दर्जनों की संख्या में नेता और पार्टी समर्थक शामिल हुए, जहाँ वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान भाजपा ने सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। चारा घोटाला में संलिप्त राज्य की मुख्य सचिव, डीजीपी और अन्य अफसरों को सरकार संरक्षण दे रही है, जबकि सरकार नियुक्ति पत्र बांट बेरोजगारों के जख्मों को कुरेद रही है। किस कंपनी में बेरोजगारों को नौकरी दी गई उसका पता भी नहीं चल सका। कहा, भाजपा शासन में खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य पिछड़ गया। नेताओं ने कहा कि मनमानी पर उतारू राज्य सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं और जन विरोधी नीतियों पर अंकुश लगाने सहित दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए जेबीएम सदैव संघर्षरत रहेगी। वहीं जेबीएम नेता सतीश सिंह चेरू ने सरकार को रंगा सियार के समान क्रियाशील होने और अदूरदर्शी बतलाया। आज इस बैठक का मुख्य उद्देश्य, धरना का मुख्य उद्देश्य ये है कि झारखंड सरकार जिन पदाधिकारियों पे आरोप लगा है उनको आज भी संरक्षण देने का काम कर रही है। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा जी, चारा घोटाले में उनका नाम आया, उसके बाद भी उस पद पे बने हुए हैं। डीजीपी साहब जो हैं अभी, वो बकुरिया में जो नरसंहार हुआ उसमें कितने निर्दोष लोगों का हक जान गया, उस केस में आज भी वो पद पर बने हुए हैं। और झारखंड की जो नीति है वो झारखंड को पीछे ले जाने की नीति है। सरकार कहती है कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नौजवानों को रांची में एक विश्वविद्यालय था, एक आदमी उसमें हमको मिला था, वो उसको नियुक्ति पत्र मिला, वहाँ पे 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन आज भी वो तमाम लोगों को मालूम नहीं है कि किस कंपनी में हमको नौकरी मिला, किस प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिला। सब नियुक्ति पत्र ले करके और घूम रहे हैं। उसका नियुक्ति पत्र भी मुझे उसने दिया था बेचारा। और आप वहाँ का छोड़िए, साधारण उदाहरण यहाँ पे है कि यहाँ फोर्थ ग्रेड की जब बहाली हुई थी तो आप लोग तमाम लोग जान रहे हैं कि 51 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, छात्रों को। क्या दोष था उनका? आज जो नियुक्ति, जो यहाँ पे नियुक्ति हुई उसका क्वेश्चन जहाँ से लीक हुआ था आज भी वो छुट्टा घूम रहा है। एक नौजवान जो था, पुलिस जब पकड़ने गई भागने के क्रम में छत से गिर करके उसका जान चला गया। तो ये सरकार नौजवानों के लिए दे रही है। आज जो नियोजन नीति लागू की है सरकार, क्या समझ रहे हैं यहाँ पे किसी नौजवानों को नौकरी मिलेगी? शिक्षा का ये बुरा हालत है कि यहाँ पढ़ाई नाम मात्र का कोई चीज़ ही नहीं बचा है, सिर्फ प्राइवेटीकरण हो गया है। सरकारी स्कूल में सारा व्यवस्था खत्म हो गया सरकार की नीति के कारण, और प्राइवेट स्कूल सिर्फ पैसा काटने के फेर में लगे हुए हैं, पढ़ाई नग्न है। और जब यहाँ पे तमाम हिंदुस्तान के लोग जब एग्जाम देने आएंगे तो यहाँ का शिक्षा व्यवस्था नीचे होने के कारण यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलने जा रही है।